लो। अरे आप आने लग गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी सॉरी कि हम पिछले संडे आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि कुछ रीजन से इस वजह से नहीं डाल पाए, ठीक है। तो लेकिन अगली बार आप आगे अभी हम ट्राई करेंगे कि आपको वीडियो मिलती रहे हर संडे, एक संडे स्पेशल, ठीक है। जैसा कि हमारा विवाद हो चुका है चैनल का कि हम एक संडे हर एक वीडियो डालते हैं और संडे स्पेशल पे आपको एक नया टॉपिक मिल जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी हमारे डे टू डे लाइफ से ना जुड़ा हो लेकिन हम लोगों को पता नहीं, और उसका नाम है माइनिंग। माइनिंग जॉब थोड़ा सा, ठीक है। तो जानते हैं कॉपर की तरफ जो मैंने बताया था आपको माइनिंग, अगर हम उसके बारे में कुछ समझते हैं कि होता क्या है माइनिंग। माइनिंग अगर हम जा रहे हैं तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी चीज को आप जमीन में से निकाल रहे हैं, ताकि से माइनिंग हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोयला निकालते हैं, कोयला होता है तो कोयले को हम लोग कहां से निकालते हैं, जमीन में से खोद के निकालते हैं, ताकि से माइनिंग। कुछ भी चीज को हम लोग खोद के निकाल रहे हैं तो ताकि से माइनिंग। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे जब हम ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू जो आदमी लोग हैं वो लोग जाकर उन चीजों को निकालते हैं ह्यूमन, तो उनको कहते हैं कन्वेंशनल माइनिंग, ठीक है। तभी हम उन चीजों के लिए अगर हम रोबोटिक्स का यूज कर लें या फिर हम ऐसी चीज साइंस को ले आए तो हम उसे कहते हैं डिजिटल माइनिंग, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझेंगे कि कन्वेंशनल माइनिंग और डिजिटल माइनिंग होती क्या है, एंड दैट शुड बी शेयर्ड बाय माय ब्रदर। सो गाइस, जैसा कि मेरे भाई ने बताया आपको कि माइनिंग होती क्या है और माइनिंग किस टाइप की होती है, ठीक है, और उसमें कैसे ह्यूमन एफर्ट्स यूज किए जाते हैं। तो पहले ना हम एक चीज पहले दोनों माइनिंग को समझ लेते हैं कि दोनों माइनिंग में डिफरेंस क्या है। पहला जो था वो क्या था, कन्वेंशनल माइनिंग। तो कन्वेंशनल माइनिंग क्या है, वही जो हमारे ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो हम माइनिंग करते थे, लोग भेजते थे अंडरग्राउंड से वहां पर बॉम्ब ब्लास्टिंग करते थे, फिर वो जो रॉक्स निकल रहे हैं उनको प्रोसेसिंग प्लांट से भेज के प्रोसेस करके उनके ओर से मटेरियल निकालते थे, तो वो बेसिकली एक कन्वेंशनल माइनिंग है। आप बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं कि डिजिटल माइनिंग, डिजिटल माइनिंग, जैसे मेरे भाई ने भी बताया था डिजिटल माइनिंग वर्ड, ठीक है। तो उससे पहले आप ये समझे कि क्या माइनिंग जो हमारी कन्वेंशनल माइनिंग है वो एक टोटल ह्यूमन एफर्ट प्रोसेस है, या फिर माइनिंग सिर्फ बिना इंसानों के हो नहीं सकती है, या फिर कंप्यूटर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक है ना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि माइनिंग में जरूरी है ह्यूमन का कभी एफर्ट। अभी हर लेवल में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि बिल्कुल ही ऑटोनोमस हो जाए माइनिंग में, लेकिन हाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमन की ऐसी जरूरत नहीं है कि परमानेंटली ह्यूमन की एक जरूरत है कि माइनिंग में। वह माइनिंग एक डिजिटलाइज वे है कन्वेंशनल माइनिंग का। अब उसमें क्या है, हम अपने उन्हीं कन्वेंशनल माइनिंग प्रोसेसेस को थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, कंप्यूटराइज नेटवर्क, उनके थ्रू उन्हें कंप्यूट करते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरीके का काम होगा। ये है डिजिटल माइनिंग। मतलब काम तो वही हो रहा है लेकिन आप उसे इंसान नहीं कर रहे हैं, उसे कंप्यूटर्स कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने समझा कि डिजिटल माइनिंग क्या है, ठीक है, अब इसके बारे में ना हम थोड़ा समझें कि इसकी जरूरत क्यों है, मतलब हमें क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हम अब कन्वेंशनल माइनिंग को छोड़ के हम डिजिटल माइनिंग पे जा रहे हैं, ऑटोनोमस माइनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज आई हुआ है ह्यूमन लाइफ, ठीक है। हम सबको पता है कि माइनिंग को जब माइनिंग करते हैं हम उसमें तो हम उसमें बॉम्ब्स यूज करते हैं, बॉम्ब ब्लास्टिंग यूज करते हैं, ठीक है, और इतनी गहराई में नीचे जाके उसे बॉम्ब ब्लास्टिंग करना तो वैसे ही बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो उसके साथ अगर ह्यूमन लाइफ भी ऐड हो जाए तो वो उसके बारे में तो फिर क्या कहना, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन लाइफ में कोई खतरा ना है जब हम काम करें। किसी भी इंडस्ट्री का सबसे मेन मोटिव यही रहता है, पहला प्रॉफिट और दूसरा ह्यूमन लाइफ, कि उसकी ह्यूमन जो लाइफ है, जो उसकी ह्यूमन रिसोर्स है वो
उनपे कभी कोई खतरा ना। तो इसीलिए कंपनी अब ऑटोमेटिक माइनिंग पे या फिर ऑटोनोमस माइनिंग पे जा रही है, क्यों? उसमें एक तो अगर रोबोट के ऊपर कुछ गिर जाता है तो बहुत से रोबोट ऐसे हैं कि इतने रोबस्ट होते हैं, इतने अपने आप में स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं कि वो उस फोर्स को सहन कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ इतने हम रोबस्ट नहीं बोल सकते कि वो अराउंड 50 केजी का अगर पत्थर पे गिरे तो वो शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें मतलब उसको सहन ना कर पाए, हो सकता है कि उसकी वजह से कोई ऐसी इंजरी हो जाए जो लाइफ लॉन्ग इंजरी हो जाए। बट रोबोट्स में ऐसा नहीं है, रोबोट्स में अगर उनके अगर कुछ डैमेज भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी होता है तो उसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ में हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि उसे ठीक कर सकते हैं। आती है वो है प्लानिंग। जब हम कन्वेंशनल माइनिंग करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं होती, किस सेंस में? उस सेंस में कि एक बंदा है वो हाफ एन आवर में एक फुट गेन कर लेता है, लेकिन वही दूसरा बंदा है जो 2 आवर्स लेता है लेकिन सिर्फ वो हाफ एक या फिर 1.5 फुट ही खोल पाता है, तो उसमें एफिशिएंसी में डिफरेंस आ सकता है। तो इसकी वजह से हम प्लानिंग उस हिसाब से नहीं कर सकते कि वो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आ सके, लेकिन जब ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑटोमेटिक माइनिंग की बात करते हैं, तो उसमें हम हर मशीन को एक टाइम लिमिटेशन दे सकते हैं या फिर टाइम स्पीड और अलग अलग बहुत सारी वेरिएबल्स उनको सेट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हर बार वो एक ही रिजल्ट देगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि ह्यूमंस में वियर मतलब पेन उनकी दवेद उसका कोई गारंटी नहीं होती, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन रोबोट्स में ये है कि वो कन्फर्म होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उनमें कोई दिक्कत आने लगेगी, ऐसे कोई जल्दी दिक्कत आएगी, ठीक है। एक तो ये फायदा हो गया। तीसरा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इजी हो जाता है। अब एक दूसरे इंसान में कम्युनिकेट करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बात है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कुछ बोला दूसरे ने उसमें कुछ ऐड करके बोल दिया, तीसरे बहुत कुछ ऐड करके बोल दिया, लेकिन रोबोट्स में ऐसा नहीं। जब वो बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कोडिंग की बात करते हैं और पर्टिकुलर जो चीज चाहिए वो इसी में बात करते हैं। और अगर मैं एक जगह किसी एक पर्टिकुलर चीज पर मेरे को फोकस करना है तो मैं इजी फोकस कर पाऊंगा उस पर और इजीली उनकी जो काम कर रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है उसको आराम से इंटरप्रेट कर पाऊंगा, ठीक है। थर्ड थिंग तो ये हो गई कि डिजिटल माइनिंग कितनी इजी है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल माइनिंग ह्यूमन माइनिंग से थोड़ी प्रॉफिटेबल है। क्यों? पहला तो पहली जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन होती है उसमें तो वो काफी महंगी पड़ती है, बट जो उसका लाइफ है या फिर उसकी शेल्फ लाइफ है उस ऑटोमेटिक माइनिंग की वो काफी लंबी है, उसमें बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो आपस में इतनी कम्युनिकेट करने के बाद एक अपने आप में एक आप कह सकते हैं अपने आप में एक मैप डिजाइन कर लेती है कि इस काम को कितने टाइम में सबसे अच्छा करा जा सकता है या फिर उस काम को उसका टाइम कैसे कम करा जा सकता है, वो आप अपने आप ही उस चीज को जनरेट करती रहती है और अपने आप में उसको डेवलप करती रहती है, तो इसी वजह से वो काफी प्रॉफिटेबल होती जाती है कि वो धीरे 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 वो आपको अपने आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप अपने आप उसे देखेंगे कि वो अपने आप उसकी जो भी माइनिंग है या फिर जो भी प्रोग्राम है उनको अपने आप डेवलप करें। सब कुछ मेरे भाई ने आपको बता दिया माइनिंग क्या होती है और साइंस के थ्रू जो माइनिंग करते हैं हम लोग वो क्या होता है, ठीक है। अब लोग हम समझेंगे कि कॉमन ट्रेंड्स क्या है डिजिटल माइनिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ ट्रेंड्स हैं जो कॉमन यूज होते हैं, दैट इज 3D मॉडलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो हम लोग इमेज ले पाते हैं उन जगहों की जो हम आसानी से नहीं ले पाएंगे अगर हम नॉर्मल इमेज कैप्चरिंग करेंगे, लेकिन 3D इमेज का जो फीचर होता है उससे हम लोग उन जगहों की कैप्चरिंग कर पाएंगे या देख पाएंगे जहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे तो माइनिंग कैसे होती है, हम वो रखते हैं बम फोड़ते हैं, हम लोग ये देख पाएंगे कि ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हमें लेबर नहीं रखनी है, तो ऐसी जगह जहाँ से नुकसान हो सकता है हमारी लेबर को अगर हम लोग वहां पर वो लेबर को हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो 3D मॉडलिंग से हम लोग ये फायदे कर सकते हैं जो हम लोग अभी हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला ट्रेंड क्या है डिजिटल माइनिंग में, दैट इज 3D मॉडलिंग। सेकेंड वन इज AI, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो इंटेलिजेंस होती है, नेचुरल इंटेलिजेंस जो हम लोग मेनली मैन एनिमल्स इन सब में देखते हैं, फिर वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जब हम एक रोबोट के थ्रू
उन्हीं कामों को कर रहे हैं जो एक आदमी कर सकता है, दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी काम अगर हम लोग मशीन के थ्रू कर रहे हैं तो हम लोग उनको क्या कह देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड ट्रेंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ वी विल मूव टू थर्ड वन, दैट इज ड्रोन्स। हम लोग ड्रोन्स का भी यूज करते हैं। हम ड्रोन्स का हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, ये फायदा होगा ड्रोन्स का कि हम लोग अपनी लेबर कॉस्ट घटा पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी लेबर कॉस्ट कम कर सकती है। कैसे कि हम लोग एक ही ड्रोन से पूरा एरिया कवर अप कर सकते हैं। एक ही ड्रोन को यूज करके हम लोग इतना सारा एरिया कवर अप कर सकते हैं जो हमें उसके लिए हो सकता है कि हमें बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़े। तो इसलिए हम ड्रोन को यूज करके भी हम लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने अगर आपको तीन ट्रेंड्स बताए, कौन कौन से, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नंबर वन इज 3D मॉडलिंग। जाते हैं आगे ट्रेंड्स की तरफ, दैट इज इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ये हो जाता है कि हम लोग ऐसे व्हीकल्स यूज करते हैं जिन्हें उन्हें ऑटोमेटिकली पता है कि हमें क्या करना है, कब क्या चीज हमें परफॉर्म करनी है, यू नो वेरी वेल। तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें भी थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है हमने। तो हमने कुछ ऐसी व्हीकल्स देखे हमें जिसमें ड्राइवर्स नहीं होते लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ चलना है, सेंसर्स लगे होते हैं कि वो अपने आप ही मूव करती रहती है। अब इसमें इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन में कुछ भी हो सकता है, मशीन्स हो सकती हैं या फिर ऐसी व्हीकल्स जो उस एक्सप्लोरेशन का सामान लेके आ रही हो, तो ये क्या हो सकता है, इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हुआ कि हम लोग डाटा शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ डाटा कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी डाटा है, मेरे पास है, लेकिन अगर वो भी डाटा मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो इजीली शेयरेबल हम कर सकते हैं डाटा को द यूज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू। अब हम चलते हैं अगले ट्रेंड्स की तरफ, दैट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का यूज होता है, ब्लॉकचेन में हम लोग तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी रोक सकते हैं। कैसे रोक लेंगे भाई, अब हम हर चीज को स्कैन करके चल रहे हैं। एक हमने डायमंड बनाया, सपोज करके हमने डायमंड बनाया, हम उसको स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम उसकी सेल करने जा रहे हैं, हमें पता होगा कि ये डायमंड वही डायमंड है जो हमने एक्सप्लोर किया था उस दिन, तो यहाँ पर फॉर्मुलेट कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रेंड है डिजिटल माइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फॉर्मुलेट एक्टिविटीज को रोक सकते हैं द यूज ऑफ ब्लॉकचेन। अब अगला ट्रेंड आता है एनवायरमेंट एंड एमिशन कंट्रोल। अब ये कैसे होगा, ये भी हम डिलीवरी कर सकते हैं कि हमें कुछ ऐसी मशीन होंगी हमारे पास जो हमें ये बताएंगी कि ये एनवायरमेंट, क्या ये एनवायरमेंट हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए, वो करने के लिए सही है कि नहीं है, कि यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये एनवायरमेंट ठीक है माइनिंग करने के लिए कि नहीं है, कि हमें ऐसी मशीन है जो हमें बताती है। और एमिशन, एमिशन का मीनिंग ये होगा जो उनसे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे ह्यूमन की लाइफ पे, तो वो भी बता देगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा और उसको कंट्रोल भी करता रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्लाउड। क्लाउड किस लिए यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग वो किसके लिए यूज होती है, स्टोरेज के लिए। ये एक और फीचर है ट्रेंड डिजिटल माइनिंग में कि स्टोरेज बहुत अच्छी हो गई है हमारे पास। अब पहले क्या करना पड़ता था, हमें स्टोर करने के लिए भी हमें एक चीज ढूंढनी पड़ती थी कि भाई अगर मेरे पास सामान है बहुत ज्यादा तो मुझे स्टोर करके रखना है, कुछ डाटा है तो उसको हम लोग क्या करते थे, मैनुअली रिकॉर्ड करके रखते थे, मैनुअली लिख के रखना पड़ता था भाई हमने यहाँ ये किया, हमने यहाँ ये किया। अब क्या होने लगा कि क्लाउड पे आ रहे तो हम लोग सब चीज एक ऐसी जगह रख सकते हैं, और एक मेन चीज सेफ भी है। अगर कहीं पर मान लो आग लग गई, हमारा डाटा खराब हो गया, क्लाउड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्लाउड से हमें ये भी फायदा होने लगा माइनिंग का। फिर हम लोग चाहते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कि जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कर रहे थे, कंप्यूटर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो हम उन्हीं कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं इसके लिए, वर्चुअल रियलिटी के लिए, कि हम लोग, हमें वो जगह नहीं दिखाई दे रही है जहाँ पर उसमें बहुत सारे माइंड सब निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, हमें नहीं पता, लेकिन वर्चुअल रियलिटी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी जगह पता लगा सकते हैं जहाँ अच्छी माइनिंग कर सकते हैं। फिर हम आते हैं, अब सब चीज कर लिया हमने, ठीक है। अब एक चीज आई भी लीगल के थ्रू, अब हमने जो भी चीज की क्या वो सिक्योर है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक और चीज मशीन, दैट इज साइबर सिक्योरिटी फीचर। इससे क्या होगा, हमारा साइबर सिक्योर रहेगा, हमारा कभी फ्रॉड नहीं होगा हमारा डाटा, हमारा तो सेफ रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने इसमें ये बताया मैंने कि ट्रेंड्स क्या थे,
ट्रेंड्स में क्या क्या पता है, 3D मॉडलिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए। तो गाइस जैसे आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि माइनिंग क्या होती है, कन्वेंशनल माइनिंग क्या है, डिजिटल माइनिंग क्या है, उसके क्या ट्रेंड्स हैं। तो बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, हमारी डे टू डे लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। नो डाउट डिजिटल माइनिंग के थ्रू हमारी जो चीजें हैं वो सस्ती तो हो रही है, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, टाइम कम लग रहा है और ह्यूमन लाइफ भी कम इन्वेस्ट हो रही है, तो लेबर कॉस्ट डिक्रीज हो गई। बट इसकी वजह से एक दिक्कत है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होती जा रही है। तो ये ऑलरेडी मतलब ये डिबेट ऑलरेडी चल रही है जो इंटरनेशनल लेवल पे है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ की जो काम है उसमें कितना परसेंट हम लोगों को अपना रोबोट्स को इंडल्ज करना चाहिए, ताकि एक टाइम ऐसा ना आए कि जब हमें लगे कि हम अंडर एम्प्लॉयड हैं और सारा काम रोबोट से कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है और मुझे क्या हम सब मेरे भाई को भी मेरे सामने यही लगता है कि ये टाइम आ चुका है कि जब हमें ये सोचना चाहिए कि अब जो हम रोबोट बना रहे हैं वो रोबोट हमें कितने अपनी लाइफ के जो काम है, जो हमारे जो अभी तक हम जितने भी एम्प्लॉयिंग काम कर रहे थे, ठीक है, जैसे माइनिंग हो गया और असेंबली एरिया पे जो लोग काम करते हैं कार की असेंबली, वहां भी रोबोट्स ने उन्हें रिप्लेस कर चुके हैं। तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि हमें कितने परसेंट अपने काम हमें रोबोट से कराने हैं और कितने परसेंट काम अभी भी हमें अपने खुद के लिए। हाय गाइस, तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो कि डिजिटल माइनिंग है क्या और उसके जितने भी ट्रेंड्स हैं वो कौन से, समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लाते रहेंगे हर संडे। थैंक यू। यार आपको ये बता देना क्या वीडियो करने वाले हैं? नहीं बताएंगे अभी। अरे बता देते हैं यार, अरे बता देते हैं। ठीक है।